हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज संडे का दिन है और आज एक ही पेज आता है, ओपिनियन का पेज। सो द फर्स्ट आर्टिकल हेयर इट इज़ नोन बाय पी चिदम्बरम। आई होप यू गाइस नो इट। यहाँ पे वही अगेन फार्म लॉस पे आ रहा है। आई थिंक वी हैड इनफ ऑफ फार्म लॉस, बट इफ़ यू गाइस वांट टू रीड इट, गो फॉर इट। देन इधर द क्लास ऑफ टसल एंड इट जस्ट क्रिकेट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली द आर्टिकल दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट। आई रेड द रूरल व्यू ऑफ COVID-19। उसमें सिर्फ एक कहानी की तरह बता रहे हैं कि COVID-19 में जो ऑथर थी वो एक विलेज के पास थी और वहाँ क्या हुआ, कैसे इकॉनमी डिस्टर्ब हुई। सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स डिस्कस दिस। इन्होंने यहाँ ये लिखा कि अनी राजा के द्वारा, और इन्होंने ये बोला है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं हमारे, हम लोग होने वाले हैं और हम सिर्फ 75 वीक प्रोग्राम से ही बनाने वाले हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे 5 एजेंडा दिया है, फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शन एट 75 एंड रिजॉल्व एट 75, ये चार ही हुए, ठीक है। और आगे उन्होंने ये बोला है कि हम ये सबको इंक्लूड करेंगे, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स ऑफ 130 करोड़ पीपल इन द कंट्री। उन पर ऑथर ये कह रही हैं कि चाहे हम लोग आगे बढ़े, हम लोग इकॉनमी बढ़ा रहे हैं, पर एक जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु हैज़ ऑलवेज सफर्ड इज़ द वुमेन। चाहे SDI की रिपोर्ट है, GII की, या फिर जितनी भी ग्लोबल रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट अबाउट वन की जो जो एजेंडा है, ठीक है। ये सब क्लियरली शो कर रहे हैं कि वुमेन आर पुश्ड बैक इनटू मोर प्रिकैरिटी, वल्नरेबिलिटी, हंगर, स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। पैंडेमिक ने प्लान्ड और अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया और सबसे ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बढ़ी। इसने वल्नरेबिलिटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को, ऑलरेडी जो सफ़र कर रहे थे उनको, और बढ़ा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट ला दिया, मास माइग्रेशन कर दिया। सबसे ज़्यादा वुमेन एंड द पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ने कम्प्लीटली लॉस कर दिया। प्री कोविड फिनोमेना में भी डिसअपीयरेंस ऑफ वुमेन वर्कफोर्स रहा है, ठीक है। फॉर्म लॉस अभी आए थे और जो वर्क पे फूड सिक्योरिटी और सोवरेंटी पे अटैक कर रहे थे कि COVID-19 आ गया। कोडिफिकेशन डिल्यूशन ऑफ 40 लेबर लॉस इनटू 4 में और ज़्यादा वुमेन को एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकाला गया, ठीक है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देर वर मेनी लॉस टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बट दे मोस्टली रिमेन एज पेपर टाइगर्स, ठीक है। सेक्शुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन विद अनप्रेजेंटेड क्रुएल्टी हमारे डेली अफेयर में होता है। इतनी ज़्यादा क्रुएल्टी इग्नोर करी जाती है गवर्नमेंट से। NCRB की रिपोर्ट ने रिवील किया है कि सेक्शुअल वायलेंस इज द नंबर वन क्राइम। मेनी अदर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली अगेंस्ट दलित वुमेन, द इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन एग्रीवेट हर सिचुएशन। इसी से बताया गया। अब उसके बाद एजुकेशन की बात अलग, यहाँ पे डिजिटल डिवाइड हुआ है, स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली गर्ल्स को बाहर निकाला गया। ऑथर ने बोला कि अब जो PM ने एजेंडा लाया, एजेंडा 75 एंड रिजॉल्व 75, इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए ग्राउंड रियलिटीज, इनइक्वालिटी, मार्जिनाइजेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, विजिबल एंड इनविजिबल वायलेंस, अ रियल चैलेंज फॉर पीपल, स्पेशली वुमेन, इज टू नो हाउ टू ब्रेक द कॉर्पोरेट। जो सबसे बड़ा चैलेंज वुमेन के पास ये है कि हम लोग को कैसे कॉर्पोरेट फासिस्ट गवर्नमेंट के नेक्सस को बंद करना है, ठीक है। नेक्सस मतलब कि बस वो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स जो कि इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट ही अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, वुमेन का सेक्शन नहीं है। तो और हमें एक वायलेंस फ्री, डिग्नाइट इन जनरल जस्ट सो सोसाइटी बनानी है। ये तभी पॉसिबल होगी जब हम जनरल एजेंडा को, जेंडर एजेंडा को प्लेस करेंगे फोरफ्रंट में सेलिब्रेशन के फ्यूचर एजेंडाज के लिए। अभी ऑथर ने एक बिल का जिक्र किया है, द वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 33% सीट लोकसभा इन ऑल स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन, जो कि 25 साल पहले आया था, राज्यसभा में 2009 में पास हो गया था। अभी भी बिल ये वेट कर रहा है लोकसभा में पास होने के लिए। हमारे गवर्नमेंट ने इस UPA गवर्नमेंट हो या फिर मोदी जी की हो, किसी ने भी इस बिल को पास नहीं होने दिया है। बस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।